नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोगों के बीच एक और नई औषधीय प्लांट्स लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सजीवन बूटी। ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं इसका नाम है सजीवन बूटी। देखिए, ये जो है आपका जड़ हो गया, ये डाल हो गया, और ये जो है पत्ता हो गया। तो ये जो सजीवन बूटी देख रहे हैं ये लगभग 4 इंच लंबी होती है। तो इस सजीवन बूटी का जो वैज्ञानिक नाम है सिलजेनेला ब्रायोपेटेरस के नाम से जाना जाता है। तो मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी इस सजीवन बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को अवश्य बजा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसको आप लोग आसानी से देखें तथा आने वाले जो भी वीडियो बनाऊँ उसको भी आप लोग देखें, लाभ उठाएं। ये जो संजीवनी बूटी है ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी संजीवनी, संधानकर्णी संजीवनी, स्वर्णकर्णी संजीवनी। ये संजीवनी 4 प्रकार के है। उसी 4 प्रकार में से जो ये संजीवनी बूटी देख रहे हैं उसी 4 में से जो है एक है। तो ये उस समय की संजीवनी बूटी है जो कि राम लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ अन्य बानर सेना एवं रावण से जो युद्ध हो रहा था, तो उसमें जो है लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच जो युद्ध हुआ उसमें लक्ष्मण जी जो है मूर्छित हो गए थे। तो उस मूर्छित समय में जो सजीवन बूटी का प्रयोग किया गया था उसमें ये भी सजीवन बूटी शामिल था, एवं अन्य जो 3 सजीवन बूटी है वो भी शामिल था, जो कि हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे और उस द्रोणगिरी पर्वत पर से जो है सजीवन बूटी लाए थे, जो कि बैल सुसेन के द्वारा लक्ष्मण जी का इलाज किया गया और वो सही हुए। उसके बाद से जो है मेघनाथ को मारे ना। तो ये जो आप सजीवन बूटी देख रहे हैं ये उसी 4 में से एक है। ये जो सजीवन बूटी है ये सूर्योदय से पहले जो है इसमें जो गुण रहता है वो सूर्योदय के बाद जो है वो गुण नहीं रहता है। इसलिए जो है बैल सुसेन जी श्री हनुमान जी से बोले थे कि सूर्योदय से पहले जो है सजीवन बूटी को लाइएगा, सूर्योदय के बाद से लाइएगा तो लक्ष्मण जी का प्राण बचाना असंभव है। इसलिए जो है हनुमान जी जो है सूर्योदय से पहले लाए और जो वैद्य सुसेन जी के द्वारा इलाज किया गया और लक्ष्मण जी ठीक हुए और मेघनाथ का वध किए। तो ये जो है सजीवन बूटी जो देख रहे हैं इसके बारे में भी कुछ चर्चा हो जाए। ये देखिए, ये जो सजीवन बूटी देख रहे हैं ये हरा रंग का दिखाई दे रहा है और कुछ जो है पौधा जो है सूखा सूखा आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, देख रहे हैं ये सूखा सूखा है। तो इसमें ये सजीवन बूटी में ये खासियत है कि ये सूख जाने के बावजूद भी 2 से 3 दिन इसको पानी में रखा जाएगा तो ये हरा रंग का हो जाएगा। जो भी सूखा हुआ सजीवन बूटी है वो हरा रंग का हो जाएगा और जिस पानी में रखा जाएगा वो जो पानी है वो भी हरा रंग का हो जाएगा। इसमें ये खासियत है। तो मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को अवश्य बजा दें, आप लोग के लिए जो है बहुत ही जरूरी है। तो ये सजीवन बूटी जो है कौन कौन से रोगों में कार्य करता है इसके बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो ये सजीवन बूटी जो है शरीर के मृत कोशिकाओं को जीवित करने की शक्ति होती है। इस बूटी को अमर बूटी भी कहते हैं। देखिए, ये जो सजीवन बूटी है इसको अमर बूटी भी कहते हैं। ये सजीवन बूटी जो है
हार्ट अटैक पड़ने पर संजीवनी बूटी का काढ़ा दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही कारगर औषधि है। पेशाब में जलन होने पर इस बूटी का काढ़ा असरदार होता है, लाभकारी होता है। तो इस संजीवनी बूटी को आप लोग जाने पहचाने और उसका प्रयोग करें। यही नहीं, आपको पीलिया रोग को ठीक करने में भी ये जो संजीवनी बूटी देख रहे हैं बहुत ही उपयोगी औषधि है, कारगर औषधि है। स्त्रियों के गुप्त रोग जैसे लिकोरिया, अनियमित मासिक धर्म एवं अन्य सारे अनियमित समस्याओं को दूर करने में ये जो संजीवनी बूटी देख रहे हैं बहुत ही कारगर औषधि है। एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ कि जब औरतों को डिलीवरी हो जाता है तो ओछवानी के रूप में जो जड़ी बूटी प्रयोग किया जाता है उसमें से एक जड़ी बूटी ये भी है जो कि संजीवन बूटी के नाम से जाना जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोग से फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक तथा बेल घंटी को अवश्य बजा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ या इसके पहले जो भी पीछे मैं वीडियो बना चुका हूँ उसको आप लोग देखें, उसको जानें, पहचानें, उसका प्रयोग करें और बताए हुए वीडियो के अनुसार उसका लाभ उठावें। तो बस मैं इतना ही करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय आयुर्वेद।